अपमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो अबलस्सं व सीघस्सो हित्वा याति सुमेधसो। सुमेधसो मेधा संपन्न हो, बुद्धिमान, पूर्ण प्रज्ञावान, अपमत्तो प्रमाद रहित, सावधान। पमत्तेसु प्रमादियों से, बहु जागरो पूर्ण जागृत पूर्ण निर्मो, सुत्तेसु सोते हुए को, मोह में लीन को, अबलस्सं वा अबल अश्वम इव निर्बल घोड़े के समान, सिग्घस्व शीघ्र अश्व बलवान अश्व शीघ्र, हित्वा त्याग कर छोड़ कर याति जाता है। दो प्रकार के घोड़े का उदाहरण देते हैं तथागत बुद्ध। एक निर्बल घोड़ा, धीरे चलने वाला या धीरे दौड़ने वाला। सबल घोड़ा, तेज दौड़ने वाला, द्रुतगामी। निर्बल घोड़ों को छोड़कर सबल घोड़ा आगे बढ़ जाता है, ये उदाहरण है। तथागत बुद्ध कहना चाहते हैं इसी तरह प्रमाद में लिप्त और मोह में सोए हुए लोगों को छोड़कर प्रज्ञावान, सावधान और जागृत मनुष्य आगे बढ़ जाता है। अपमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहु जागरो, प्रमादियों के बीच से सावधान व्यक्ति और मोह में सोए हुए के बीच से पूर्ण प्रज्ञावान निर्मोह व्यक्ति वैसे ही तेजी से आगे निकल जाता है जैसे अवलस्सं वा सिंहस्सो हित्वा, जैसे दुर्बल घोड़ों के बीच से सबल घोड़ा उन्हें त्याग कर शीघ्र आगे निकल जाता है। गुरुदेव जी यहाँ पर साधकों के लिए विशेष रूप से लिखते हैं, साधक सावधान हो, वह दूसरे को जगाने के मुंह में न पड़े, अपितु स्वयं पूर्ण निर्मोह होकर जग जाए, फिर जो उसको समझ पाएगा वह उसका अनुसरण करेगा। दूसरे को निर्मोह नहीं किया जा सकता, स्वयं निर्मोह हुआ जा सकता है। ये तो बिल्कुल सच है कि कोई भी किसी को जगा नहीं सकता है, किसी दूसरे का कल्याण कोई नहीं कर सकता है। जो हम लोग चर्चा करते हैं कि संत लोग लोगों को जगाते हैं, चेताते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, ऐसा नहीं है। कल्याण कोई किसी का कर ही नहीं सकता है। ऐसा होता तो सबका कल्याण कर देते। शिक्षा उन्हीं को लगती है जो सचमुच चाहता है। जागता वही है जो स्वयं किसी को जगाया तभी जा सकता है जब कोई जागना चाहता है, न चाहे नहीं जगा पाएंगे। करने को वो खुद प्रयासरत है, ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को शिक्षा लग जाती है। इसलिए हम ये तय कर लें कि दूसरों को हम जगाएंगे, चेताएंगे, ये संभव नहीं है। अपना जागना है, अपना चेतना है। हाँ, यदि कोई चाहे, इस प्रकार की कोई बातों को सुनना चाहे, ऐसे लोगों को सुनाया जा सकता है, सुनाते हैं संत जन। उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो जाग जाते हैं। अकेले का रास्ता है यह, गुरुदेव जी यहाँ पर लिखते हैं। ये व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि सबको सोते हुए छोड़कर सिद्धार्थ अकेले ही निकले। आत्म उद्धार अकेला का रास्ता है। आध्यात्मिक प्रेम का अर्थ ही है असंगता का
अनुभव प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। गुरुदेव जी लिखते हैं कि सर पटक कर दूसरे का उद्धार नहीं किया जा सकता, हर मनुष्य का अपने पर अधिकार है, वह अपने को ऊपर उठा सकता है। जब हम अपना उद्धार कर लेंगे तब जिसका मन होगा उसका हमारा अनुसरण करेगा। खास बात यहाँ पर तथागत बुद्ध कहते हैं, आप अन्य लोगों को लेकर के चलना चाहें, उनका कल्याण कर दूं तब अपना कल्याण करूं, यह नहीं होगा। गुरुदेव जी एक दार्शनिक का उदाहरण देते थे कि अपने ही विषय में लिखा उन्होंने, अंत समय आया, मरने की बेला थी और यमराज नाव लेकर के खड़ा है और कह रहा है आओ बैठो। उनसे मैंने कहा कि भाई मैंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं लोगों के कल्याण के लिए, तमाम अंधविश्वासों का खंडन किया है, जरा देख लो उसका क्या प्रभाव होता है। उन्होंने कहा मूर्ख तू मोह में पड़ रहा है, ये दुनिया वैसे ही रहेगी, आ बैठ चल निकल वैतरणी पार कर। वो अपने को ही उत्तम पुरुष के रूप में रख करके बताया है कि मैं ऐसा ऐसा किया, ऐसा हुआ। ये हम सब के लिए है, हम सबको भी यही मोह होता है। हम बोलते हैं उसका क्या प्रभाव होता होगा, जरा जान लेना चाहिए, लोगों से पूछ लेना चाहिए। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए हमें अपना काम करना है। यहाँ तथागत बुद्ध का क्या कहना है, सबल घोड़े की तरह बनो, निर्बल घोड़े की तरह मत बनो। जिनके मोह में पड़ रहे उनको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। अपमादेन मघवा देवानाम श्रेष्ठतम गतो अपमादम प्रशंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। अपमादेन मघवा, प्रमाद रहित जागरूक होने से मघवा इंद्र श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम गतो हो गया। अतएव अपमादम, अप्रमाद की आलस्यहीनता की लोग प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं, किंतु पमादो प्रमाद की गर्हितो सदा सदा निंदा होती है। इंद्र की याद की गई है, इंद्र आलस्य रहित होने से देवताओं में श्रेष्ठ हो गया। जागरूक मनुष्य की सब प्रशंसा करते हैं और आलस्य की सदैव निंदा होती है। गुरुदेव जी ने लिखा है कि वेदों के सारे देवता प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनमें इंद्र अधिक उभर कर ऊपर आया। सबसे बड़ा और प्रथम वेद ऋग्वेद है, उसके एक चौथाई मंत्रों में इंद्र की महिमा बखानी गई है। सभी देवताओं का कम विशेष व्यक्तिकरण किया गया, परंतु इंद्र का व्यक्तित्व तो वेदों में चमचमा कर सबसे ऊपर उठाया, वह वीर नायक बन गया। अतएव इंद्र की कार्यशीलता की गाथा पूरी भारतीय परंपरा के साहित्य में व्याप्त हो गई। इतरे ब्राह्मण का भी उदाहरण देते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित कुमार के लिए 5 वर्षों में 5 गाथाएं इंद्र के मुख से ही कहलवाई गई हैं। उनमें से एक गाथा यह है, चरण वय मधुविंदति चरण स्वादुदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेयवाणम यो न तंद्रेत चरंस चरेवेति। गतिशील व्यक्ति मधु पाता है, जो प्रयत्नवान है वह उदुम्बर फल का मीठा स्वाद पाता है। देखो ना सूर्य की विशेषता को, जो कभी आंखें नहीं झपकाता, सब समय जगमगाता रहता है। अतएव चलते रहो चलते रहो, श्रमशील रहो। यहाँ बुद्ध वचन में भी मघवा को
इंद्र को प्रमाद रहित एवं उद्योगशील बताया गया है। इसी से वह सभी देवताओं में श्रेष्ठ हुआ। प्रमाद के अर्थ पहले ही बताया गया, आलस, असावधानी, भूल, अहंकार आदि, इनको छोड़कर ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। हम सभी किसी न किसी रूप में प्रमादी हो जाते हैं। अब ये दूसरों को कहना तो गलत है कि वह प्रमादी है, वो गलत है। अभी ही कल सुन रहा था किसी की, उन्होंने कहा अपनों को समझने का प्रयास करो, परखने का प्रयास न करो, अपने को समझो, परखो मत। हम लोग क्या करते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, उनको परखना चाहते हैं। जब कोई आदमी का हम मूल्यांकन करेंगे तो हमने अपने मूल्यांकन के लिए दरवाजा खोल दिया है। जब किसी की हम आलोचना करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी को तिरस्कृत करेंगे, तो सीधी सी बात है अपने लिए भी वह स्थिति आए, इसका दरवाजा हमने खोल दिया है। हमने ही तो खोला है, हमने ही तो एक लीक बनाई है। एक जब नाली में पानी सींची जाती है तो पहली बार में थोड़ा इधर उधर होता है, एक बार जब नाली बन करके पानी उसमें चलने लग गया तो कभी पानी खोलेंगे तो उसी में बहेगा वो। एक बार धारा जब बन जाती है ना तो फिर बार बार उसी से बहती, तो धारा किसने बनाई, हमने बनाई है, तो फिर वो उधर से आने की भी संभावना उतनी ही है। ये सावधान अपने को होना है। कितनी बार मैं निंदा करने में लग जाता हूँ, कितनी बार मैं, कई बार तो लोगों के माध्यम से मैं निंदा करने लगता हूँ, कभी कभी तो अंदर अंदर भी होने लगता है। सब प्रमाद के लक्षण है। अंदर अंदर प्रतिक्रिया में उलझे रहना, आलोचना करते रहना, सब प्रमाद का लक्षण है। लेकिन ये हमको दिखाई नहीं देता, पढ़ते हैं तो लगता है ये तो औरों के लिए बातें हैं। औरों के लिए नहीं है, अपने लिए है ये सारी बातें। तो गुरुदेव जी ने साफ लिखा, क्या कहा, कि जो प्रमाद को छोड़ देता है तभी आगे बढ़ सकता है, और उसी की प्रशंसा है। आलसी, निकम्मे और अहंकारी की प्रशंसा नहीं हो सकती है। इंद्र की चर्चा आई है इसलिए गुरुदेव जी ने उनका अर्थ भी दे दिया है कि सचमुच इंद्र का क्या अर्थ है। तो वैदिक दृष्टि से इंद्र का आदि दैवी अर्थ है प्राकृतिक शक्ति, आदि भौतिक अर्थ है वीर नायक, और आध्यात्मिक अर्थ है इंद्रियों का प्रेरक जीव। अपमाद रतो भिक्खु पमादे भय दस्सिवा संयोजनम अणुथूलम डहम अग्निवा गच्छति। भिक्षु को संबोधित करते हैं कि जो भिक्षु, कहते भिक्षु के लिए उपदेश करते हैं, जो भिक्षु या सन्यासी या विरक्त साधक अपमाद रतो, प्रमाद रहित पूर्ण जागृत भाव में तत्पर है, वा अथवा पमादे, पमाद को भय दस्सी, भय रूप में देखता है, जो प्रमाद को भय रूप में देखता है, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार, भय लगता है जैसे सांप बिच्छू से भय, ऐसे ही कहीं प्रमाद ना हो, ये भय। गुरुदेव जी ये पंक्ति कहा करते, थर थर कांपे जीव, वो पंक्ति तो मुझे याद नहीं है, जनि घट जाए सने, ऐसा ना हो कि किसी संत गुरु के प्रति, सदाचार के प्रति, धर्म के प्रति मेरी निष्ठा न घट जाए। भय होता है क्योंकि संसार के जो चाक चिक्के है, पसारा है, आसपास के लोगों की जो मानसिकता है, देख करके स्वयं भय लगने लगता है। ऐसा तो नहीं कि मेरी भी मानसिकता उसी में ढलने लग जाए। इतना बचाना है अपने आप को, जैसे गुरुदेव जी कहते थे साधक को ऐसे ही चलना है जैसे दोनों तरफ तार हो
नंगा तार हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, कैसे चलेंगे उसमें? छुए कि मरे, कहीं भी स्पर्श हुआ कि मरे। वो जो उदाहरण दिया जाता है कि एक हाथ में तेल का कटोरा लेकर के राजा ने कहा कि पूरे राजमहल में घूम करके आओ, लेकिन दोनों तरफ सिपाही नंगी तलवार लेकर के चलने वाले हैं साथ साथ, कहीं एक बूंद तेल का गिरा तो फिर वहीं पर मौत की घाट उतार दी जाएगी। पूरा घूम कर के आया, कितना सावधान रहा होगा वो। अरे इसी स्थिति में उनसे पूछा गया, कैसा लगा, क्या देखे? तमाम भोग विलास की व्यवस्था कर दी गई थी। उन्होंने कहा कुछ नहीं देखा, मैं इसी की रक्षा में रहा। भय, इतनी मेहनत से हम सब यहां तक आए हैं, कितनी मेहनत। इसके पहले मेहनत तो हुई है, पक्की बात है, सबके जीवन में मेहनत हुई है। इतना बढ़िया साधना का अवसर मिला, ज्ञान मिला, व्यवस्था मिली, इसके बावजूद यदि हम फिर से उसी ढलान में चले जाएं जहां सारी दुनिया जा रही है, तो क्या होगा? और गुरुदेव जी ये भी उदाहरण प्राय दिया करते थे, गेंद जब जीने से लुढ़कता है तो स्टेप बाय स्टेप करते करते नीचे ही चला जाता है, बीच में रुकता नहीं है, पहचाना है अपने को। तथागत बुद्ध यही बात कह रहे हैं, अपमाद रतो भिक्खु पमादे भय दस्सिवा। जो प्रमाद को भय रूप में देखता है और अप्रमाद में रत है, अप्रमाद में संयोजनम अणुथूलम, वह साधक छोटे बड़े अणुथूलम, छोटे बड़े संयोजनम, बंधनों को संयोजन करना, बंधन सभी बंधनों को कैसे देखता है? डहम अग्नि व गच्छति, अग्नि आग, डहम आग में जलने के समान, ऐसा लगे बंधनों को आग के समान जलाता हुआ। बंधन को किस रूप में देखता है? जैसे आग हमको जलाने वाली है, ऐसे ही बंधन उसको आग की तरह लगते हैं। जो मोह को शत्रु रूप में देखता है और आलस्य रहित रहकर गुरु संतों की शरण में सेवा स्वाध्याय तथा साधना रत है, वह जैसे ही वैसे ही स्थूल सूक्ष्म बंधनों को जलाता जाता है जैसे आग वस्तुओं को जलाती जाती है। और जैसे इस प्रकार कोई जलाता हुआ चलेगा विकारों को, क्या होगा? आगे आगे दौ जरे पाछे हरियर होए, मन हरा भरा होगा, मन में खुशियां आने लगी। मन के विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, हर्ष, अशोक आदि निरंतर क्षीण होते जाएं और मन हल्का फुल्का प्रसन्न और शांति मग्न होता जाए। ये साहब कसौटी देते, क्या ऐसा हो रहा है? कभी कभी जब ऐसी पंक्तियां आए तो चुप आंखें बंद करके बैठ जाए, सोचे ये जो बातें कही जा रही है क्या इसमें मैं जी रहा हूं कि केवल बातें कर रहा हूं इन बातों को, इन शब्दों की? जो प्रसन्न मन वाला होता जा रहा है वही दुख मुक्ति का यही दुख मुक्ति का प्रशस्त पथ है। मन के राग द्वेष बंधन है, ये जितने नष्ट हों उतना साधक निर्वाण की तरफ जाता हुआ माना जाएगा। जब राग द्वेष की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है तब व्यक्ति का पूर्ण निर्वाण है, मन की पूर्ण शांति तो निर्वाण है। ये अंतिम गाथा है इस वर्ग की और बिल्कुल सेम है, जैसे पिछली गाथा में हम लोगों ने पढ़ी है वैसे ही है। अपमाद रतो भिक्खु पमादे भय दस्सिवा, अबभो परिहाणाय निब्बाणस्येव संतिके। जो भिक्षु प्रमाद से भय करता है और सदैव जागरूक है उसका पतन असंभव है। अबभो असंभव, अभव्य असंभव है, परिहाणाय पतन विनाश, वह तो निब्बाणस्येव निर्वाण के संतिके निकट, आसन निकट निकट हो जाता है। कोई भी प्रमाद से कुसंग किया जाता है और कुसंग से पतन होता है। अब कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो विरक्त हो, अपनी मर्यादा से उसका पतन तभी होता है जब वह कुसंग करता है। कुसंग के मूल में प्रमाद है, असावधानी है, सुखाध्यास्ता अभिमान है,
निर्बल साधक भी यदि प्रमाद त्याग कर सावधानी से साधना में रत है तो अध्यात्म में बलवान हो जाता है। लेकिन बलवान साधक भी मोह करेगा, कुशंग करेगा, असावधानी करने लगेगा, प्रमाद में प्रमाद करने लगा तो नीचे गिर जाएगा। इसलिए सावधानी ही साधना है। सतत जागरूक साधक वह है जो सब समय निर्मोह है। निर्मोहता के पक्के धरातल पर स्थित साधक के लिए परिहान अभव है, पतन असंभव है। अब अपने को मजबूत न मान ले कि मेरा पतन असंभव है। जब बड़े पुरुषों की पंक्तियां हम पढ़ते हैं कि जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तो हम कैसे प्रमाद कर सकते हैं। इसलिए सावधान अपितु निबाण संति के, निर्वाण के निकट है। हाँ, ये करना है, क्या होना है, ये हमारा आदर्श है। ये स्थिति आए, ऐसा हो पतन असंभव हो जाए और निर्वाण के निकट पहुंच जाए। और इसका तरीका क्या है? अप्रमाद, अप्रमाद, हर समय सावधान, सावधान। ये जो साधना साधक करेगा निश्चित रूप से उनकी दशा होगी। और विश्वास भी करना चाहिए अपने आप में, ऐसा नहीं कि मेरा ये हो जाएगा। दोनों पक्ष गुरुदेव जी कहा करते थे, ऐसा ना हो कि हर समय भयभीत बना, कहीं ना हो ये हो जाए। नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ भी आगे बढ़े, मैं सही पथ पर चलूंगा तो निश्चित रूप से मैं अपना काम पूरा कर पाऊंगा, ये पूर्ण विश्वास भी हो, लेकिन असावधानी न हो। सहाय जिंदगी।